दूं कि आदरणीय लालू प्रसाद की देन है कि बिहार को 5 यूनिवर्सिटी देने का काम किया है, और उन्हीं की देन है जब वो रेल मंत्री थे तो 3-3 चक्का कारखाना, रेल कारखाना लगाने का काम बिहार में किया है। 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है बिहार में, केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में जेडीयू और भाजपा की मिलीजुली सरकार है। कुछ समय के लिए हम लोग आए थे, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, उन्होंने कोई काम नहीं किया है जनता के। देखिए, किसी के प्रति कुछ कह देना ये भाजपा नेताओं के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और आपके माध्यम से, क्योंकि यहाँ मीडिया के बहुत सारे साथी यहाँ मौजूद हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के लोगों को और बिहार से बाहर जो भी आपका चैनल जो देखते हैं देश के लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो आरोप उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर लगाया है, तो मैं बता दूं कि आदरणीय लालू प्रसाद की देन है कि बिहार को 5 यूनिवर्सिटी देने का काम किया है, और उन्हीं की देन है जब वो रेल मंत्री थे तो 3-3 चक्का कारखाना, रेल कारखाना लगाने का काम बिहार में किया है। 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है बिहार में, केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में जेडीयू और भाजपा की मिलीजुली सरकार है। कुछ समय के लिए हम लोग आए थे, क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद की देन है कि बिहार को 5 यूनिवर्सिटी देने का काम किया है, और उन्हीं की देन है जब वो रेल मंत्री थे तो 3-3 चक्का कारखाना, रेल कारखाना लगाने का काम बिहार में किया है। 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है बिहार में, केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में जेडीयू और भाजपा की मिलीजुली सरकार है। कुछ समय के लिए हम लोग आए थे, तो 20 साल में बिहार की जनता को और देश की जनता को बताना चाहिए कि कितनी फैक्ट्रियां यहाँ इन लोगों ने लगाई है, कितने रोजगार के साधन इन लोगों ने सृजन किए हैं, कितने नियुक्ति पत्र इन लोगों ने अभी तक विगत वर्षों में इन लोगों ने बांटने का काम किया है। ये कहते हैं हमने सड़क बना दिया, हमने ये देखिए, कोई भी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे जेडीयू की सरकार है, जो सड़क बनाना है ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो भी सरकार आएगी इस तरह का काम चलता रहेगा। लेकिन आपने बिहार के लोगों के लिए, बिहार में बेरोजगारी दूर करने के लिए कौन सी ऐसी फैक्ट्री लगाई है? लालू प्रसाद ने सिर्फ एक गलती की है, और वो भी सम्राट चौधरी को उम्र ना होते हुए मंत्री बनाने का गलती किया था। सिर्फ एक गलती हमारे नेता से हुई है, सम्राट चौधरी को, और उसी की देन है कि आज उनको भाजपा भी पूछ रही है। दीदी, जम्मू कश्मीर यादव को लेकर कह रहे हैं कि ये बताना चाहिए कि नौकरी लेने के और देने के दौरान उन्होंने कितना घोटाला किया है। ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे ना, केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, सब एजेंसियां इनके हाथ में हैं। सुबह शाम उनके साथ चाय नाश्ता करते हैं, आज फलाने को नोटिस देना है, आज चिलाने को नोटिस देना है, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तो सब इनके पास है। और क्या बात कर रहे हैं ये लोग, ये अपमान कर रहे हैं, जो 3.5 लाख नियुक्ति पत्र जिन लोगों को मिला है उनका वो अपमान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, मतलब उन टीचरों का अपमान कर रहे हैं। यूपी से आकर के देश जगह जगह से लोगों ने, जिन लोगों ने अप्लाई किया था, जिनको यहाँ पे बिहार में नौकरियां मिली है, उनका वो अपमान कर रहे हैं, और यही काम सिर्फ इन लोगों को आता है। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि